नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम लोग प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। मींस हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, पाइथागोरस परिमेय को। पाइथागोरस परिमेय को क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। अब पाइथागोरस परिमेय को हम लोग आज हिंदी में प्रूव करेंगे, लेकिन अगर किसी छात्रों को इंग्लिश में भी वीडियो चाहिए और वो कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में बनाइए, तो इंग्लिश में भी बनाएंगे और इंग्लिश के टर्म का पूरा इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं वो हिंदी तो समझते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको इंग्लिश समझने में थोड़ा कठिनाई हो जाती है। सो टुडे वी आर प्रूफिंग पाइथागोरस थ्योरम इन हिंदी बट यूज इन इंग्लिश टर्म। ओके, लॉट्स ऑफ इंग्लिश टर्म। पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करने के लिए, किसी भी प्रमेय को प्रूव करने का चार स्टेप होता है। पहले दिया क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करने के लिए दिया कुछ नहीं है। दूसरा बनावट, आप बनाते क्या है, तो हम लोग बनावट में बनाते हैं एक आपका स्क्वायर। क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। और आपको पता है स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, दोनों कोण, दोनों सभी कोण समकोण हो और दोनों विकर्ण जो है डायगोनल जो है वो एक दूसरे को क्या करे, समकोण पर काटे और आपस में बराबर हो, उसे स्क्वायर कहते हैं। मतलब ये क्या है, ये रोम्बस का एक विशेष प्रकार है। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे कि रोम्बस का क्या है, स्क्वायर एक विशेष प्रकार है। तो हमने बनावट में एक स्क्वायर बनाया और इसका नाम हम अपने सुविधा के लिए ए बी और सी और डी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बनावट में और हम क्या लिखेंगे आगे, तो हम लिखेंगे इसे ए बी को यानी कि स्क्वायर के किसी भी भुजा को किसी भी अनुपात में डिवाइड कर देते हैं। तो किस अनुपात में डिवाइड करें, तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या एक्स अनुपात वाई में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं एक्स अनुपात वाई में, तो हमेशा रेसिप्रोकल होना चाहिए, वाई वाई एक साथ नहीं होगा, इसलिए यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई, तो फिर एक्स और फिर क्या चीज वाई और फिर क्या चीज आपका, देखिए x वाला भाग थोड़ा बड़ा रखे हैं और y वाला छोटा, जरूरी नहीं है, आप किसी भी तरह क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक ना। और यहां पर फिर x और y, तो इस तरह से हमने क्या किया, जितने भी हमारे स्क्वायर के साइड थे सभी को x अनुपात y में विभाजित कर लिया। अब जहां हमने x अनुपात y में विभाजित करके जहां मिलाया उसको आपस में क्या करते हैं, मैच कर देते हैं सभी पॉइंट को। इस तरह से मैंने बना दिया, अब हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। थर्ड स्टेप है हाउ टू प्रूफ, कैसे प्रूफ करना है। फर्स्ट स्टेप में दिया क्या हुआ है, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का चार ही स्टेप होता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पहला स्टेप क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, दूसरा स्टेप आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया, तीसरा स्टेप आपने कैसे प्रूफ किया और चौथा स्टेप प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ। तो इसी चार स्टेप में आपको हर थ्योरम को प्रूफ करना है, एग्जाम में कहीं भी आपको फुल मार्क्स आएगा, ठीक ना। तो अब हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन जो किए वो लिखे नहीं, आप उसको लिखिएगा कि हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, उसको एक्स अनुपात वाई में विभाजित किया और फिर जहां से अनुपात में विभाजित किया उन सभी भुजाओं को आपस में, सभी बिंदुओं का आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद जो भुजा बनी उसका नाम हम लोग ने क्या रख दिया, जेड रख दिया। सो यू कैन टेल दिस थिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन। ओके, अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हो गया, अब हम लोग बड़े वर्ग का, लार्ज स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तो वर्ग के, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड साइड स्क्वायर। यहां साइड क्या है, तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन वन मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब नाउ हम लोग इस छोटे स्क्वायर का क्या करते हैं, निकालते हैं क्या चीज, एरिया, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या होगा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, जेड स्क्वायर, क्या होगा, जेड स्क्वायर, क्योंकि ये भुजा ही क्या है, जेड है, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग इस त्रिभुज का निकालते हैं, तो ये त्रिभुज में क्या है, हर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर का सभी एंगल क्या होता है 90 डिग्री,
तो एरिया ऑफ द ट्रेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बट्टा टू इंटू बेस में आपका क्या है एक्स है और वाई है, और ये कितने बने हैं 1, 2, 3, 4, हम लोग 4 से गुना क्यों कर रहे हैं अभी आपको तुरंत समझाते हैं, इंटू 4। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बराबर, क्योंकि आप लोग बच्चे, आप लोग प्यारे बच्चे मेरे, आप लोग जानते होंगे कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के इनक्लोज में जो भाग होता है वही उसका क्या होता है, एरिया होता है। तो जैसे आपका ये इनक्लोज में जो भाग है यही सब आपका क्या है, होल पार्ट आर एरिया, मतलब जो भाग को आप कवर कर रहे हैं, ये बोर्ड आपको इतना कवर कर रहा है, यही एक बोर्ड का क्या है, एरिया है। ठीक, तो एरिया तो आपको इजीली समझ में आ ही रहा है, तो इसलिए ये पूरा जो भी कंस्ट्रक्शन हम किए हैं वो एक ही वर्ग के अंदर किए हैं, इसलिए क्या होगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे, तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, यहां लिख देंगे बड़े वर्ग, यहां हम सिर्फ आपको प्रूफ करना सिखा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को एकदम इजी मेथड में, बाकी आप प्रूफ करना सीख जाइएगा तो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं तो आप फिर कमेंट कीजिएगा, अक्सर फुल्ली डिटेल के साथ बनाइए तो बना दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिख देते हैं, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 और प्लस इक्वेशन 3। अगर आप लोग एग्जाम में हैं और समय बचाना चाहते हैं तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, और यहां सिर्फ आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एक ही वर्ग का भाग है, क्या है, एक ही वर्ग का भाग है। वैसे अभी तक पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है और बच्चे जानते ही नहीं है, बच्चा क्या करता है रट लेता है, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, रट लिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर आया कहां से। तो आज हम लोग इसको कहां से आया पूरा ड्राइव कर रहे हैं, ठीक ना, एक ही वर्ग का भाग है। अब जोड़ते हैं मित्रों, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4, अंदर करके गुना कर देते 4 इंटू एक्स इंटू वाई, यहां देखिए 4 क्या होगा 2 बार में कट जाएगा, और यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा जानते होंगे आप लोग छात्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर यहां क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy इधर भी है और 2xy इधर भी, अगर बराबर के दोनों तरफ सेम साइन रहता है तो कट जाता है, अगर आप इसको नहीं काटना चाहते तो इधर ले जा घटाइएगा, देख प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 में से 5 घटेगा तो रिजल्ट क्या होगा, 0, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या किए काट दिए। अब देखिए आपका LHS RHS में क्या है, जेड स्क्वायर, और LHS में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम होता ही यही है, क्या होता है अभी आप बता रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसी को ना, है जैसे आप इसी जो ये आपका बी पर बना है 90 डिग्री, इसको हम लोग कट करके देख लेते हैं, यह मान लीजिए इस फिगर को हमने क्या किया, कट किया, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है और ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम किस त्रिभुज के लिए होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होता है, ठीक ना, किसके लिए होता है, तो आपको राइट एंगल ट्रेंगल के लिए होता है, पाइथागोरस थ्योरम आर ओनली हेल्ड फॉर राइट एंगल ट्रेंगल। ओके, अब देखिए यहां कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जेड है, तो यानी कि क्या होगा, जेड स्क्वायर, आधार आपका क्या होगा, अगर आप थीटा ये मानिएगा तो आधार ये होगा, थीटा ये मानिएगा तो आधार ये होगा, आधार वेरी करते रहता है, ठीक ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम वही होता है, और कैसे होता है हमने इसको क्या किया, इजिली प्रूव कर लिया। नाउ अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग्स इन डिटेल, हाउ टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक ए स्क्वायर एंड लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड द स्क्वायर इन रेशियो एक्स रेशियो वाई एंड मीट ऑल द पॉइंट
we divided becomes a small square. Now there are four triangles in each vertex, and first of all you find the area of large square. The area of large square is equal to side square, and here is side is x plus y, then x plus y square, okay, and the area of a small square is equal to z square, or area of the right angle triangle is 1 by 2 into base into height, okay. So base is x and height is y, okay, multiply, and there are making four same type of triangle, so multiplying the four, and now the area of a large square and the area of a small square, or and all four triangles area are equal, because which type of operation, all operation are held in under a square. Now x lx is x plus y square is equal to z square plus 1 by 2 into 4 into x into y, okay. Now 1 by 2 divided by 4 into 2 times, and x plus y ka whole square is equal to x square plus y square plus 2xy, then z square plus 2xy, both side are 2xy are common, then cut it out, and that x square plus y square is equal to z square, means z square is equal to x square plus y square. So it's very easy. If you feel this is so easy way to prove Pythagoras theorem, please like, subscribe and share my YouTube channel Sarvesh Classes KGG. Thank you. Agar aapko mere pyare bacche ये प्रोसेस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव्ड करने का हल्का और आसान लगा, तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का इजी मेथड सीख सके. धन्यवाद. आप लोगों का दिन शुभ हो.